गुड इवनिंग टू टू ऑल स्टूडेंट्स वेलकम आप 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 स्वागत है कैसे सभी सभी उम्मीद करती आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और जितने भी स्टूडेंट्स है जल्दी से यहाँ पर लाइव आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए आप लोगों की क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम लोग करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण ब्रश जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के समान क्वेश्चन होते हैं और इसके साथ ही सोमवार से लेकर के शनिवार तक यह आपकी शाम के सात बजे यहाँ पर होती है तो नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते ओनली स्टडी आ चुके हैं आज कहा थे बेटे दो तीन दिनों से थे नहीं आप ठीक है सभी ठीक है ओके चलो तो पापा की परी शिवा और कुमार राठौर और पंड्या एडिक्स सभी आ चुके हैं प्रियंक बहुत अच्छे और जिन बच्चों का मैं नाम नहीं लूं वो प्लीज गुस्सा मत होना ठीक है ऐसे में बातचीत बीच बीच में करती करती रहूंगी आप लोगों से यहाँ पर ठीक है विजय ओके कमल तो नमस्ते प्रभात सभी बच्चों को नमस्ते मुकेश फूलचंद श्रवण सभी को नमस्ते ठीक है एक तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग करना चाहते हैं हमारे एग्जामपुर परिवार के साथ तैयारी तो एग्जामपुर डबल धमाका यहाँ पर आ रहा है और अगर आप लोग अभी कोर्स परचेज करते हैं तो सिक्सटी परसेंट तक का कोर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर आ चुका है कि 60 परसेंट ऑफ जाएगा अगर आप सभी यहाँ पर सुपर 60 कोड का यूज करते हैं तो जो भी आप पेमेंट करेंगे उसमें से 60 प्रतिशत तक आप लोगों को डिस्काउंट हो जाएगा और इसके साथ ही एग्जामपोर की पुस्तकों पर अगर आप अः बुक 30 कोड का यूज करते हैं तो आपको तीस तक का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा साथ में मैं बता दूं कि जिन्होंने अभी तक www.testwale.com पे जाकर के अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्योंकि जो 28 फरवरी है वह आप लोगों की यहाँ पर लास्ट डेट है इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है वह भी आप लोग से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ ही आप लोग जिन्होंने अभी तक एग्जाम्पुर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर में जा करके और यूपी लेखपाल के लिए और साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए छह पुस्तकों का सेट यहाँ पर आया हुआ है तो जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसको ले सकते हैं इसका ऑफर प्राइस है ट्रिपल नाइन इस टाइम पर और जो परचम बैच लेते हैं उन्हीं को ही यह ट्रिपल नाइन में अवेलेबल है चलो तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अच्छा शादी में गए थे ठीक है राजू अभिलाषा सूरज विनय सभी आ चुके हैं नमस्ते बरेली बरेली के शेर ठीक है अमित सिमरन सभी को नमस्ते चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से आप लोगों को यहाँ पर आंसर करना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा ठीक है ठंडा ठंडा कुल कुल हाँ चलो अब चलो जल्दी से इसका आंसर करिए पर राना टिकराना की अगर हम बात करते हैं तो राना टिकराना किस जीव को यहाँ पर कहा जाता है राना टिकराना एशियन फ्रॉग होगा वेरी गुड अंशु बहुत अच्छे आंसर की अगर हम बात करें तो जो हमारा आंसर यहाँ पर होगा वह क्या हो जाएगा एशियन फ्रॉग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो जल्दी से आप लोग नोट करेंगे आंसर क्या होगा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा अब आप लोग मुझे यहाँ पर जल्दी से यह बताइए कि अगर हम यहाँ पर तेंदुए के बारे में बात कर रहे हैं तो तेंदुए का साइंटिफिक नेम क्या होगा अगर आपसे कभी यह एग्जाम में पूछा जाए कि आप यह बताइए तेंदुए के बारे में ठीक है तो तेंदुए का जो साइंटिफिक नेम है वह क्या यहाँ पर होगा बताइए जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा हाँ सिमरन फायरमैन की भी क्लास यहाँ पर होती है पर वह कंबाइन uh, क्लास चल रही है अलग से नहीं है ठीक है आईसीएमआर की क्लास अलग से है लेकिन फायरमैन की अलग से क्लास नहीं है लेकिन जो एप्लीकेशन है उसमें फायरमैन की है, क्लास है अब चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे कौन सा आंसर होना चाहिए तो अगर हम बात करते हैं लेपर्ड के बारे में ठीक है लेपर्ड जो हमारा तेंदुआ है तेंदुआ का जो नाम है वो है पेंथेरा पार्डस तो सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार नोट कर लीजिए पेंथेरा पार्डस ठीक है एशियन फ्रॉक का हमें पता ही है फिर हम यहाँ पर बात करेंगे टाइगर के बारे में टाइगर का जो यहां पर नाम है वह क्या होगा तो लिखिए यहां पर इसका साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टाइगर ओके फिर हम यहाँ पर बात करते हैं वॉल्फ के बारे में अगर आप वोल्फ के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉल्फ का क्या साइंटिफिक नेम यहां पर होगा लिखे कैनिस ल्यूपस कैनिस ल्यूपस ये इसका यहाँ पर साइंटिफिक नेम है चलो चलिए इसको आप लोग यहाँ पे नोट करो तो जो अगर हम तेंदुआ को देख रहे हैं तो तेंदुआ का साइंटिफिक नेम क्या हुआ पेंथेरा पार्डस एशियाई मेढक का रैना टिगरीना बाघ यानी टाइगर का पेंथेरा टाइग्रिस और भेड़िया यानी कि जो वुल्फ होते हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या हो गया कैनिस ल्यूपस ठीक है तो जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए क्लियर है बच्चों ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे और जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके यहाँ पर बताएंगे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से यहाँ पर होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से यहाँ पर होता है चलिए चलिए से इसका आंसर कर दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए अमृता दीदी पीडीएफ डी कहाँ पर मिलेगी हाँ आज से बच्चों आप लोगों को पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगी मैं वैसे तो होती थी अभी पंद्रह दिन से नहीं आप लोग को मिली होगी तो आप लोगों को क्या करना है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ठीक है एप्लीकेशन में डाउनलोड करोगे तो फ्री पी ऐसा लिखा हुआ आएगा सामने की तरफ फ्री पी में जाना रेलवे कैटेगरी में जाना क्योंकि वहां पर लिखा आएगा आपको रेलवे एंड एन साइंस बाई अमृता मैम बस वहां पे जाओगे ना आपको पूरी डेट वाइज पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी परेशान मत हो ठीक है और फ्री में रहेगी अगर कोई टेलीग्राम वाला आपसे जुड़ करके कहता है कि लाइए पैसे दीजिए और आपको एग्जामपुर की पीडीएफ मिलेगी तो ऐसा खुश मत करना टेलीग्राम एग्जामपुर के लिए परीक्षागढ़ अलग से बना हुआ है या फिर आप एप्लीकेशन में जाकर के भी ले सकते हैं फ्री में तो परेशान मत होना चलो अब जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए आंसर जो इसका होगा वह ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो जल्दी से नोट करिए ए आंसर पर बिल्कुल सही हो जाएगा कैसे यहाँ पर सही होगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास प्लांट्स कुछ यहाँ पर पौधे हैं ओके और जो पौधे हैं उनको किसने खा लिया भाई यहाँ पर जो मान लो कि बटरफ्लाई ने या आप जिसको आप क्या कहते हो तितली है ना तितली हो गया या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर ग्रास होपर क्या हो सकता है यहाँ पे ग्रास होपर ग्रास होपर मतलब टिड्डा टिड्डा ठीक है राम जी का घोड़ा टिड्डा ऐसे अलग अलग बोलते हैं वो हो गया अब इनको किसने खा लिया इनको खा लिया किसी मेढक ने फ्रॉग ने मेढक ने ओके मेढक को किसने खा लिया किसी सांप ने खा लिया यानी स्नेक ने खा लिया किसी ओके स्नेक ने खा लिया किसी ठीक है स्नेक को किसने खा लिया स्नेक को मान लो कि किसी ईगल ने, ने खा लिया या किसी बाज ने खा लिया या किसी मोर ने खा लिया या नेवले ने खा लिया ऐसा तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो भी एनर्जी पौधे के पास थी जो भी ऊर्जा पौधे के पास थी वह धीरे 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 करके कहाँ पे पहुंच रही है आगे यहाँ पर बढ़ती जा रही है और इसी को क्या कहा जाता है ऊर्जा श्रृंखला यहाँ पर कहा जाता है और ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला इसको यहाँ पर कहा जा रहा है ठीक है ठीक है राइडर आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं अब कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि दोनों तरीके से हो सकता है मल्टी डायरेक्शन हो सकता है यूनिडायरेक्शनल हो सकता है कई तरीके से हो सकता है पर ऐसा कभी भी नहीं होगा क्यों जब पौधे को ग्रास टिड्डे ने खा लिया ओके तो क्या कभी टिड्डे को वह पौधा खा पाएगा नहीं क्योंकि वो तो उसके पेट में पहुंच गया अब कुछ बच्चे कहेंगे कि दीदी यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स है ना हम लिख सकते हैं यहाँ पे कीट कीटों को खाने वाले कीटभक्शी पौधे तो बेटे कीटभक्शी पौधों को को नहीं खा रहा था ओके वो बिल्कुल अलग बात है इस चीज ध्यान में रखना तो इसी तरीके से अगर हम पर देखें तो मिढक मेढक को किसने खा लिया सांप ने सांप को किसने खा लिया बाज ने ठीक है तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि ये स्नेक की आत्मा आएगी और फिर बाज को खा लेगी नहीं ऐसा नहीं है स्नेक पच गया अब इसके बाज के पेट के अंदर या नेवले ने उसको मार दिया ठीक है वो खा लिया जो भी था तो इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा यूनिड होगा अब यहां पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है कि जब हम खाद्य श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर शब्द आता है खाद्य जाल फूड और अगर आपसे यह पूछा जाए कि फूड में एनर्जी का प्रवाह कैसा होगा तब आप क्या करोगे तो फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्यों नहीं कंफ्यूज होना है क्योंकि उस टाइम पर भी आपका आंसर ए ही रहेगा यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा क्योंकि कभी भी यहां पर आप देखेंगे कि उल्टी चीजें यहां पर नहीं होंगी ठीक है चलिए ठीक है सचिन थैंक यू ठीक है ड्रीम्स, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं मानव इनमें से किसे नहीं पचा पाता है अगर आप यहां पर मानवों के बारे में बात कर रहे हैं तो मानव इसमें से किसे यहां पर नहीं पचा पाता है चलो चलिए इसका आंसर करके बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए आपस में बातचीत नहीं बिल्कुल भी बातचीत नहीं नहीं तो क्लास यही छुट्टी कर दूंगी तुरंत ही पढ़ाऊंगी नहीं चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो सेलुलोस वेरी गुड आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा सेलुलोस हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पे नोट करिएगा सेल्युलोज ठीक है अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा सेलुलोज है वह क्या है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक तरह का पॉलीसेक्राइड होता है यानी कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड बहुत सारे आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ आता है फॉर्मूला बता दो दीदी दी। ओके एक मिनट हाँ यहाँ पे लिखती हूँ सी सिक्स एच टेन ओ फाइव और एन ओके तो यहाँ पे यह क्या हो गया इसका यहाँ पर पोलिसक्राइड का फॉर्मूला है यानी कि जो सेलुलोज है उसका यह यहाँ पर फॉर्मूला होता है और एक चीज और आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो सेलुलोज होते हैं वह सबसे ज्यादा जो फाइबर्स होते हैं रेशेदार जो सब्जियां होंगी या रेशेदार जो खाद्य पदार्थ होंगे उनमें बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है तो जब हम अपने बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं संतुलित आहार के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें जो रेशा होता है फाइबर्स होते हैं फाइबर युक्त खाना होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है अगर किसी को कब्ज की समस्या है कॉन्स्टिपेशन की तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको क्या खाना है फलियां रेशेदार सब्जियां ये सब आप लोगों को खाना है ठीक है और जब कभी भी हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में तो तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे कि सात चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई कार्बोहाइड्रेट बेटा कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट्स ही कहते हैं इसलिए अलग से नहीं लिख रही हूँ हिंदी में प्रोटीन होता है दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पर फैट यानी कि वसा के बारे में हम यहां पर बात करते हैं ओके फिर यहां पर बात आ जाती है फाइबर्स के बारे में और जो फाइबर्स होते हैं उसको कहा जाता है रेशा युक्त भोजन इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है फिर बात आती है यहाँ पर विटामिन के बारे में फिर यहाँ पर बात आती है मिनरल्स के बारे में मिनरल्स मतलब क्या हो गए आपके खनिज पदार्थ खनिज पदार्थ या फिर कई सारी बुक में लवण भी लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा और क्या हो जाता है फिर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जल ठीक है तो इसको जल्दी से नोट करिए तो जब कभी भी हम यहाँ पर बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा यानी कि फैट रेशा यानी कि फाइबर विटामिन मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ या लवण और जो वाटर होता है जल होता है वह होना चाहिए सही सही रेशों में सही सही अनुपात में बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं जितनी हमें हमारे शरीर को जरूरत है उतनी होनी ही चाहिए तो इसी को क्या कहा जाता है इसी को कहा जाता है यहाँ पर बैलेंस डाइट हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो अगर आप रूडेंट्स के बारे में बात करते हैं रूडेंट्स मतलब जो जुगाली करते हैं जो कैटल्स होते हैं मवेशी होते हैं जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी है ना ये लोग बहुत अच्छे से का पाचन कर लेते हैं घोड़ा भी कर लेता है नमस्ते तरुण सभी बच्चों को नमस्ते ठीक है रंजीत प्रशांत बहुत अच्छे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और जल्दी से इसका आप सभी आंसर करके बताएंगे ठीक है विपिन बहुत बढ़िया वेरी गुड पंकज मंडल नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते ठीक है सुधीर राजू गुड्डू बहुत अच्छे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्यूडोपोरिया ध्यान रखो स्यूडोपोरिया जैसे ही स्यूडोपोरिया आता है तुरंत मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे में है ना हाँ क्या बात है लोकेश बहुत अच्छे कब्बू आकाश अमूल्य सभी बहुत अच्छा आंसर अच्छा अच्छा कर रहे हैं और इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर अमीबा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेरी गुड झूठे पैर <laughs> हाँ बिल्कुल ठीक है असत्य या जो वास्तविक पैर नहीं है है ना झूठे पैर वैसे नाम बड़ा अच्छा रखा है झूठे पैर ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमीबा के बारे में तो जो अमीबा होता है वो अपना खाना खाने के लिए यानी न्यूट्रिशन के लिए और लोकोमोशन गति करने के लिए किसका यूज करते हैं अमीबा का अमीबा जो होते हैं वह किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर आप बताएंगे कि सीडोपोडिया का वो लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं ठीक है ठीक है बहुत अच्छे अब हम बात करते हैं अर्थवर्म के बारे में अर्थवर्म वार्म आप सभी ने केचुए को देखा है धीरे 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 रेंगता रहता है है ना बारिश के टाइम पे ज्यादा वहां निकलता है अब चलो चलिए से मुझे बताओ कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भाई जो ये अर्थ वार्म है जो केचुआ है यह किस से लोको मोशन करता है किससे एक जगह से दूसरी जगह यह जाता है ठीक है विनीत सभी बच्चों को नमस्ते प्रशांत चलो जल्दी से इसका आंसर करो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीटे क्या आंसर हो जाएगा अगर एक हम पढ़े तो सीटा और अगर बहुत सारे हैं तो सीटे तो मैं यहाँ पे सीटा लिख देती हूं ठीक है लेकिन सीटे मतलब बहुत सारे और सीटा मतलब एक अब यह क्या है इस इस चीज चीज को को हम हाँ पर समझेंगे इस आप आप देखिए तो अगर कैटरपिलर के बारे में बात करें तो कैटरपिलर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देगा है ना बना लो इसको ऐसा बना लिया हमने भी ठीक है सॉरी कैटरपिलर कैटर पिलर नहींचुआ केचुआ की के� अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से इसके नन्हे नन्हे से पैर सा कुछ निकला हुआ रहता है पर वो पैर नहीं है ठीक है पर वो पैर नहीं है टपात कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कूटपात सीडोपोडिया को कहते हैं ठीक है तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में अर्थवॉर्म के बारे में, के में केचुए के बारे में तो जो केछुआ होता है उसमें ये जो दिखाई दे रहा है ना किसी को क्या कहते हैं हम सीटा और बहुत सारे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं सिटी हम उसको यहाँ पर कह रहे हैं और उसी के माध्यम से अर्थवॉर्म क्या करेगा एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर जाएगा अब बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में तो जो पैरामीशियम है उसके पास क्या पाया जाता है पाया जाता है ठीक है तो अगर आप लोग पैरामीशियम के बारे में बात करें तो पैरामीशियम कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि पैरामीशियम को हम क्या कहते हैं स्लीपर एनिमल चप्पल की आकृति का एक जंतु है ना पर इसको ऐसा मत लिख लेना कि चप्पल जंतु ठीक है इसको आप ऐसे लिखना स्लीपर एनिमल या स्लीपर जंतु ठीक है कैसा लगता है हरे रंग का होता है और यह स्लीपर के समान दिखाई देता है और ये जो रोए से निकले हुए हैं इसके चारों तरफ उसी को हम क्या कहते हैं पर कहते हैं और इसी के वेरी गुड केचुआ किसानों का साथ ही होता है बहुत अच्छे अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रा के बारे में हाइड्रा की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हाइड्रा कुछ इस तरीके का यहाँ पर ज्यादातर आप देखने देखते हो है ना इस तरीके से होता है हाइड्रा ओके और हाइड्रा का जो इस तरीके से निकला हुआ भाग होता है इसको कहते हैं हम टेंटिकल टेंटिकल टेंटिकल्स। ठीक है और इसी टेंटिकल की मदद से यह एक जगह से दूसरी जगह आराम से यहां पर जाता है क्लियर है ओके चलो ठीक है आकाश ठीक है सोनू अब नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन गोल क्रीमी निमेटोडा में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है अगर हम यहाँ पर गोल क्रीमी यानी कि जो निमेटोड्स होते हैं उनके बारे में बात करें तो उनमें कौन सा तंत्र यहाँ पर मौजूद नहीं होता है चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए विली यहाँ पर विली नहीं है यहाँ पर विली नहीं है विली तो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं जो हमारी इंटेस्ट uh, साइन होती है जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना अंगुली के नुमा आकृति की जो संरचनाएं हमको यहां पर दिखाई देती हैं तो उसको हम यहाँ पर कह, वी, कहते हैं ओके राउंड वर्म्स क्या होते हैं राउंड वर्म्स यही होते हैं देखो अगर हम बात करते हैं निमेटोडा के बारे में तो निमे क्या है एक संघ है एक फाइलम है और इसके अंदर हमने क्या रखा है वॉर्म यानी कि क्रिमी को ये वॉर्म कैसे होते हैं कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देंगे अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं तो ये बिल्कुल मुझे गोल 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 दिखाई देते हैं गाजर को काटो कट 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 गाजर को काट दिया गाजर कैसे दिखाई देगा गोल 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 गोल, गोल दिखाई देगा ना बिल्कुल वैसे ही हाँ, आप देखेंगे निमेटोडा को मैं कहीं से भी कट करूं वो बिल्कुल मुझे राउंड ही दिखाई देगा तो इसीलिए इसको हम कहते हैं गोलाकार कृति के वॉर्म यानी कि कृमि अब यहाँ पे आंसर आप लोगों को करना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए और आंसर क्या हो जाएगा इसका इस सिस्टम तो फटाफट से नोट कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके अंदर श्वसन तंत्र नहीं होता है इनके अंदर श्वसन तंत्र यहां पर नहीं होता है ठीक है ठीक है बच्चों इनके अंदर श्वसन तंत्र यहां पर नहीं होता है कुछ बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन नहीं बहुत तेजी से ये लोग रिप्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं ठीक है ओके आगे इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहां पर बता देती हूँ जैसे कि एसकेरिस, एसकेरिस, ओके इसके अलावा हुक वॉर्म हिंदी में भी इसको हुक वॉर्म ही यहां पर कहते हैं इसके अलावा पिन वॉर्म और आपका क्या हो गया वाउचेरिया से क्या हो रहा था आप लोगों को हाथी पाओ की बीमारी है ना तो ये सभी चीजें तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर एस्केरिस एस्केरिस मैंने आपको बताया था ना जूठा खाने से प्यार पड़ता है चौदह फरवरी को मैंने आपको समझाया था हाँ बहुत जल्दी थ्योरी क्लास भी शुरू होगी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे और जल्दी से इसका आंसर आप लोग यहाँ पे करके बताएंगे लाइकिन निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक है अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लाइक है वह किसके यहाँ पर अच्छे संकेतक है चलिए चलिए इसका आंसर करेंगे यहाँ पर ठीक है लोकेश जल्दी से इसका आंसर करिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए तो लाइकिन की अगर हम बात करें तो लाइकिनखित में से किसके अच्छे संकेतक है मैंने आपको बताया था ना एयर पोल्यूशन क्या बताया था मैंने आप लोगों को एयर पोल्यूशन तो फटाफट से आप लोग उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए तो जब कभी भी हम यहाँ पर एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जो लाइकेंस होते हैं वह किसके बने हुए हैं तो आंसर करना है कि कवक और शैवाल यानी कि एलगी और फंजाई इन दोनों के मिल जाने से और जब वह दोनों सिंबायोटिक रिलेशनशिप में रहने लगते हैं यानी कि एक तरह से सहजीविता में रहने लगते हैं कि रहेंगे तो साथ साथ मरेंगे तो साथ साथ जो तेरा वो मेरा और जो मेरा वो तेरा है ना ऐसा कुछ समथिंग तो दोनों को फायदा है तो उस तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसको कहते हैं सहजीविता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और वही लाइकेन यहाँ पर दर्शाता है लाइकेन क्या है एक तरीके का थैलोफाइटा कहलाया जाता है क्योंकि जब भी आप लाइकेन को देखते हो तो आप नहीं बता सकते हो कि उसका कौन सा भाग कहाँ है बस एक ग्रीन कलर का बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है दैट्स इट ठीक है दूसरी बात जो लिटमस पेपर होता है वह लाइकेन से बनाया जाता है और अगर वायुमंडल में या वायु में या जहाँ भी, भी आप रह रहे हैं एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है खासतौर से सल्फर के कंटेंट मतलब सल्फर के जो घटक हैं अगर वह बढ़ रहे हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड आसपास है किसी भी कारखाने से निकल के आ रहा है या कुछ भी या वायुमंडल में है गैसेस फॉर्म में है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल या एसिड रेन होने वाली है तो सबसे पहले वैनिश सबसे पहले गायब कौन होगा वहां पर लाइकेन होगा तो लाइकेन जनरली अगर आप देखो तो हरे रंग के होते हैं हल्के पीले रंग के होते हैं और जैसे जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वो ग्रे कलर के होने लग जाएंगे काले रंग के होने लग जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा कि वह मर जाएंगे पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे ठीक है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और जल्दी से इसका आंसर बताइए हाँ ठीक है ठीक है बहुत अच्छे ठीक है आदि बहुत बढ़िया ठीक है सक्सेस <laughs> सक्सेस मेरा कह रहे कवक और शवाल का पहला पहला प्यार ठीक है चलो <laughs> अब चलो चलिए से इसका आंसर यहाँ पे करके बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा भूपेंद्र एक्चुअली मैं यहाँ पे ना ब्राइटनेस है ही नहीं ये ये वाला जो स्टूडियो मुझे अभी दिया गया है कुछ दिन पहले ही यहाँ पे बहुत कम लाइट है ठीक है इस वजह से थोड़ा सा कुछ ज्यादा कहीं ज्यादा कभी कम ऐसा लग रहा होगा ठीक है बाकी मैं ठीक करवा दूंगी अब चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे वेरी गुड आंसर के हम यहाँ पे बात करें, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वह क्या है बी आंसर पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेरी गुड तो फटाफट -फड़ से आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए क्यूडी होगा मैम बहुत अच्छे वेरी गुड तो आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ठीक है नॉर्मली तौर तो पर अगर हम देखते हैं तो जो एस SI, आई अच्छा एक बार बताओ ये जो एस आई यूनिट एस आई यूनिट हम करते हैं तो ऐसा SI मतलब होता क्या है बताइए अगर हम बात करें यहां पर एस आई यूनिट एस आई तो ऐसा SI मतलब होता क्या है कमेंट करके बताइए जल्दी से ऐसा SI मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स और इसी को क्या कहा जाता है एस आई यूनिट यहां पर कहा जाता है ठीक है तो नॉर्मली तौर पर अगर हम यहां पर बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में या रेडिएशन के बारे में तो आपको यह पता है कि बी क्यू यानी कि बैक्ल यहां पर यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव के लिए रेडियो एक्टिविटी के लिए और अगर आप वन क्यूरी के बारे में बात करते हैं तो जो वन क्यूरी है वह किसके बराबर होती है लगभग थर्टी सेवन बी क्यू के यह बराबर होती है यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पास्कल है उस वह किसकी यूनिट है तो आंसर करना है प्रेशर और स्ट्रेस यानी कि दबाव की यह यूनिट यहां पर होती है फिर हम बात करते हैं वाट के बारे में वाट किसकी यूनिट होती है तो आपको आंसर करना है कि भाई पावर है ना पावर ठीक है नेक्स्ट आपका आ जाता है एम्पेयर तो एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो विद्युत धारा है विद्युत धारा उसकी यह इकाई यहाँ पर होती है ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और जल्दी से इसका आंसर आप लोग पे करके बताएंगे पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है गंभीर रूप से लुप्त प्राय है चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए ठीक है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ठीक है रणधीर मैम बाहुबली आईडी ब्लॉक करा दिए मेरा मैंने बोला था अगर नहीं हुआ है तो मैं भी फिर से बोल दूंगी ठीक है ठीक है चलिए अब जल्दी से इसका आंसर बताइए जल्दी से कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए इसका जो सही सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ये एक सारस की तरह एक क्रेन की तरह दिखाई देता है पर काफी कलरफुल यह होता है ठीक है तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर यह एक पक्षी है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है यानी कि बहुत ही ज्यादा संकटग्रस्त समूह में इसको यहां पर रखा गया है ठीक है तो फटाफट -फड़ से आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए ओके क्लियर है ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट में आपसे यहाँ पे पूछूंगी यह हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कौन सा यानी कि विलुप्त तो हो गया है या कौन सा यहाँ पे है या कैसे हमें पता चलता है तो उसका आंसर है रेड डाटा बुक है ना तो रेड डाटा बुक जो होता है आप कुछ बच्चे कहेंगे लाल किताब नहीं उसको रेड डाटा बुक ही आपको बोलना है और यह बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है चलो जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए दीपक कह रहे हैं कि मैम आपका फेस ब्लैक दिख रहा है बेटा अब क्या करें अब थक जाते हैं तो ऐसे ही दिखाई देता है बाकी लाइट का भी इफेक्ट है और थोड़ी बात मैं बहुत ज्यादा गोरी भी नहीं हूँ <laughs> नॉर्मल कलर की हूँ इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा होगा पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना अगर थोड़ा मेकअप करके आएंगे तो सुंदर लगेंगे अभी ऐसे ही आ जाते हैं तो ऐसे ही दिखते हैं ठीक है चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए बताइए जल्दी से इसका आंसर करेंगे आंसर है आई यू सी एन और आई यूसीएन की फुल फॉर्म क्या है लिख लीजिए यहां पर इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ नेचर ठीक है तो जल्दी से आप लोग इसको यहां पे नोट कर लीजिए ठीक है हाँ मिथिलेश सभी का कमेंट आ रहा है बहुत बढ़िया वेरी गुड तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आपको यह यहाँ पर देखना है कि जो इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यह एक ऑर्गेनाइजेशन है और यही क्या काम करता है यहाँ पर रेड डाटा बुक को प्रकाशित यहाँ पर करता है वेरी गुड बहुत अच्छे very good, बहुत बहुत अच्छे। अच्छे। राजस्थान का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। पिकॉक जो होगा ठीक है सुजीत, बिल्कुल सही बता रहे हो पिकॉक जो है वह क्या है यहाँ पर आप बताएंगे कि वह इंडिया का नेशनल बर्ड है कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम कच्चा बादाम खाइए गोरी नहीं नहीं मुझे अपने कलर से बहुत प्यार है ना तो गोरा कलर ना तो काला कलर और ये रंगों में कुछ नहीं रखा मैं आपको कई बार यहाँ पर बताती हूँ कि रंगों में कुछ नहीं रखा है बताए कुछ नहीं रखा है एट द लास्ट आपकी पर्सनैलिटी कैसी है आप कैसे हो आप समाज को क्या दे रहे हो आपके माता पिता आपसे कितने खुश हैं है ना आपके दोस्त आपसे कितने खुश हैं शादी हो जाती है तो आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है वह कितने खुश हैं आपके बच्चे कितने खुश हैं आप पे गर्व महसूस करते हैं या नहीं ये इंपॉर्टेंट होता है ये सब एक टाइम के बाद सब बेकार हो जाती है चीजें थैंक यू शिखा थैंक यू चलिए ठीक है वैभव कोई बात नहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं और जल्दी से इसका आंसर यहाँ पर करना है बताओ सब इतना मैम हम तो बहुत बुरे अरे कोई बुरा नहीं होता सब अच्छे होते हैं सबकी एक अपनी पर्सनालिटी होती है सही टाइम आने दो और मैं तो यही कहती हूँ जब मैं तैयारी करती थी ना मैं ऐसी चप्पल में घूमती रहती थी लोअर टी शर्ट डाला चप्पल डाला लाइब्रेरी चले गई पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है मेकअप शेकअप की ठीक है अगर तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है तुम स्वस्थ हो तो तुम अपने आप सुंदर लगोगे और अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर अपनी इंटेलिजेंसी के ऊपर हमेशा काम करो पर्सनैलिटी ऐसी अच्छी हो जाती है और खुश रहो कोई कहे ना कितने <laughs> काले हैं हाँ तो हैं कोई कहे कि अरे तू तो ऐसा दिखता है हाँ तो दिखते हैं तो क्या करें बताओ कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे तो दुनिया तो बात बनाई की ना बच्चों अगर आप कितने भी सुंदर हो जाओ ठीक है लोग उसमें क्रिटिसाइज करते हैं अब ऐश्वर्या राय बताओ कितनी खूबसूरत है लोग उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं सेन है? लोग उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर कहाँ तक इंसान चाहे कि सर्जरी कराए ये सब बेकार की चीजें होती हैं जो नेचुरल है नेचुरल है खुश रहो जैसे हो वैसे ठीक है आप चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट से कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि केंद्र को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है तो थैंक यू सभी बच्चों को इतना सपोर्ट करने के लिए अब चलो जल्दी से इसका आंसर आंसर करो कौन सा यहाँ पे सही होना चाहिए मानव मस्तिष्क में बुद्धि केंद्र को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है ए ऑप्शन होगा क्या बात है बहुत अच्छे तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर सरेब्रम यहाँ पर बिल्कुल प्रमस्तिष्क मस्तिष्क यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए तो जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए प्रमस्तिष्क वेरी गुड तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो भी हमारा सेरिब्रम है जो भी हमारा प्रमस्तिष्क होता है वह हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सबसे बड़ा भाग वह होता है इसी भाग के अंदर हम देखेंगे कि हमारी इंटेलिजेंसी यानी कि हमारा आईक्यू इसी भाग के अंदर हमारा कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना शक्ति कितनी है इसी के अंदर हमारी मेमोरीज यानी कि स्मरण शक्ति जैसे मेमोरी की अगर हम बात करें ना तो काफी बच्चों से जब मैं बात करती हूँ तो सभी कहते हैं कि हाय मैम उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया क्यों किया होगा उसने और हाय मेरे साथ ये हो गया और उन बच्चों को ये सब बातें पता होती है मतलब ये सबके साथ होती है मेरे साथ भी सबके साथ कि हम लोग क्या करते हैं कि उसने अट्ठारह में ऐसा कहा था दिन संडे था बारिश हो रही थी फिर रुक गई थी फिर हम पकोड़े खाने रुके थे फिर हमने चाय पी थी फिर उसने मुझे ऐसा बोला था हाय उसने मुझे ऐसा बोला था और फिर रोना गाना शुरू तो बच्चों मेमोरी कि अगर हम बात करें तो हमेशा हमें बैड मेमोरी क्यों इतनी याद रहती है उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप उसको इतना ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली याद करते हैं आप अच्छी चीज़ों को याद नहीं करते तो जब कभी भी आप किसी को कोसते हैं जब आप किसी को भी बुरा भला कहते हैं या किसी को कहते हैं किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो आप ये सोचो कि बहुत सारी अच्छी यादें हैं उनको भी याद करके आप लोग खुश हो तो अच्छी यादें हो चाहे बुरी यादें हो समान रूप से याद रहती हैं लेकिन आप जिसको जितना ज्यादा याद करोगे वो उतना ही याद आएगा है ना दूसरी बात अगर आप यही चीज पढ़ाई के साथ करेंगे आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे जितना ज्यादा रिकॉल करेंगे आपको वह सब्जेक्ट में उतनी अच्छी पकड़ होगी ओके तो इस चीज को ध्यान में रखना कि हमें बार बार रिवाइज करना है बार बार रिपीटीट हमको करना है चीजों को ओके नेक्स्ट जो बात यहाँ पर आती है वह ये कि जो भी हमारा प्रमस्तिष्क होता है वह हमारे फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है और अग्र है। है? शुभम शुभम कह रहे हैं मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया कोई बात नहीं कोई बात कोई भी प्यार अधूरा नहीं रहता कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ जिंदगी में बहुत अच्छी चीज होगी रिलैक्स एंड काम डाउन चलो आप जल्दी से यहां पर आंसर करिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए ठीक है स्नेहा ठीक है देवसेना चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर हाँ सेरेबिलम जो होता है वह बॉडी को बैलेंस करता है ठीक है और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा वह होता है चलिए अब जल्दी से इसका आंसर यहाँ पे करके बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार यहाँ पर लाना है उसको क्या यहाँ पर कहा जाता है ठीक है दीपक शर्मा चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा क्या बात है बहुत अच्छे है बहुत बढ़िया आंसर की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा वह क्या हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा क्या क्या यूजेनिक्स क्या हो जाएगा यहां पर यूजेनिक्स कि किस तरीके से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनकी नस्ल सुधरे किस तरीके से हम उनमें उनकी गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं उसको कहा जाता है यूजेनिक्स अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में जेनेटिक्स क्या होता है जेनेटिक्स मतलब आज जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे ही हम अपने करेक्टर्स को अपने लक्षणों को अपने आने वाले संतानों को यानी कि जो हमारे ऑफिस हैं जो हमारे संतान हैं जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको देंगे जीन के माध्यम से डीएनए के माध्यम से या फिर क्रोमोजोम यानी जिसको आप गुणसूत्र कहते हैं उसके माध्यम से उस पूरे की स्टडी करना क्या कहलाता है जेनेटिक्स यहाँ पर कहलाता है ओके आगे हम बात करते हैं ईपी के बारे में अब ये आप लोगों के लिए एक नया शब्द होगा हाँ पूजा मैं उसी के बारे में बता रही थी तो जो एपीजेनिक्स होता है उसमें दो चीजें हैं एक आप और एक आपका इन्वायरमेंट ठीक है यानी कि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है आपके आसपास का जो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट uh, मतलब जो जिस जिस परिसर में आप यहां पर रह रहे हैं जिस परिसर में आप यहाँ पर रह रहे हैं ठीक है तो आपका व्यवहार आपके आसपास के परिसर यानी आपके आसपास की जो सराउंडिंग है जो इलाका है या जहां पे आप पल बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आप में कितना परिवर्तन आ रहा है और वह कैसे आने वाले समय में आपके जो बच्चे होंगे जो उनके बच्चे होंगे जो उनके बच्चे होंगे उन तक कैसे यह यहाँ पर पहुंचेगा और इसी को क्या कहा जाता है इपिजेनिक्स यहाँ पर कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली में कि एक इन्वायरमेंट है एक, एक एक जगह है एक समुदाय है या वहां के लोगों की मानसिकता कैसी है या वहां का जो क्लाइमेट है है ना मतलब मौसम वगैरा जो है वेदर वगैरा वह कैसा है और उसकी वजह से आपके बिहेवियर में आपके व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन आएगा और वो किस तरीके से आपके अंदर समाहित होता चला जाएगा डीएनए में और फिर वह आपके नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे वह प्रसारित होगा है ना इस चीज को हम कहते हैं यहाँ पर क्या आप बताएंगे ईपी जेने यहाँ पर कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है जैव प्रौद्योगिकी जैव मतलब कोई जीवित कोई जीवित प्राणी खास तौर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सहायता से हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यानी मनुष्यों की उपकारिता के लिए किस तरीके से कार्य कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करेंगे और जल्दी से आप लोग इसका आंसर करके मुझे यहां पर बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है विनीत रिलैक्स अच्छा होगा परेशान मत हो चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहां पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो यदि पानी की एक टंकी की गहराई अब हम यहां पर एक पानी की टंकी बनाते हैं पानी की टंकी की गहराई 10 मीटर दिख रही है ठीक है अब कोई व्यक्ति है वो है वह देख रहा है इसकी गहराई और इसकी गहराई कितनी उसको दिख रही है दस मीटर उसको यहाँ पर दिख रही है तो इसकी जो वास्तविक गहराई होगी वह कितनी होगी और पानी का जो अपवर्तनांक है वह है वन दशमलव तीन तीन ठीक है अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर जब कभी भी हम यहाँ पर बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह ऑलरेडी आपका वाटर का दिया हुआ है 1.33 ठीक है और जब भी हम इसको निकालते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो रियल डेप्थ है जो सचमुच की वास्तविक गहराई है अपॉन विजुअल डेप्थ यानी कि जो हमको आभासी गहराई यहाँ पर दिखाई दे रही है उन उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं यह दिया हुआ है 1.33 रियल डेप्थ हमको यहाँ पर निकालना है यानी कि हमको जो दिखाई दे रहा है वो दस मीटर यहाँ पर दिया हुआ है तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा तो लिख लीजिए यहाँ पर वन थ्री थ्री यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तो फटाफट से आप यहां पे नोट कर लीजिए आंसर क्या हो जाएगा तेरह दशमलव तीन मीटर यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा तो आंसर क्या होगा बी आंसर ठीक है ठीक है सत्याम ठीक है विपिन चलो नोट कर लो जल्दी से क्लियर है बच्चों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे और जल्दी से इसका आंसर आप लोग यहाँ पे करके बताएंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपसे वो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण की पहचान यहाँ पर आपको बतानी है कौन सा यहाँ पर होगा ठीक है बताइए जल्दी से इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए देखते कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करते हैं

होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में मिश्रण के बारे में मिश्रण जो होता है वह सम मांगी और विषम मांगी होता है सम यानी कि होमोजेनियस मतलब होता है कि जहां पर दो अलग अलग तरह के तत्व या पदार्थ हैं और वह क्या हो रहे हैं बराबर मात्रा में है ठीक है बराबर मात्रा में फैले हुए हैं ठीक लेकिन अगर आप विषम के बारे में बात करें तो विषम मतलब कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा हो सकता है तो जब आप दूध के बारे में बात करें तो कहीं कम कहीं ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है बाकी सब में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सब कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दीजिए मैम प्लीज कृपा होगी अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं होमोजीनिय मिक्सचर के बारे में यानी कि सम मांगी मिश्रण के बारे में ठीक है तो इसका जो फेमस है जो आपके एग्जाम में पूछता है वो है एयर यानी कि वायु दूसरा आपका आता है यहाँ पर सलाइन सॉल्यूशन तीसरा बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है एलोइ और कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिट्रोजिनस के बारे में अगर आपसे हिट्रोजिनस पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है सैंड के बारे में जिसको आप धूल कहते हो ठीक है और आपका आ जाता है ऑयल एंड ऑयल एंड वाटर यानी तेल तथा जल का जो मिश्रण होता है इसके अलावा चिकन नूडल सूप भी मैंने अभी देखा था कुछ दिन पहले जब मैं करवा रही थी बच्चों को प्रीवियस ईयर का तो लिख लीजिए यहाँ पर चिकन सूप और कैसा नूडल वाला आया था उसमें चिकन नूडल सूप ठीक है तो नोट कर लो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं ठीक है विनय नमस्ते सभी बच्चों को बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है बहुत अच्छे अब

लेकिन अगर आप बोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो बोरिक एसिड नहीं है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए ठीक है वेरी गुड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और जल्दी से इसका आंसर आप लोग यहाँ पे करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होना चाहिए और जितने भी बच्चे आए हैं जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और जल्दी से इसका आंसर आप बताइए दस से तेरह वर्ष की आयु में विकास को कौन सा हार्मोन नियंत्रित यहाँ पर करता है काफी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पक्का पता है कि कुछ बच्चे जो है ठीक है वो वो क्या कर रहे हैं मतलब थोड़ा सा कुछ तो गलत यहाँ पर करेंगे चलो अब जल्दी से इसका आंसर बताओ कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए आशे की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा ट्रायोसिन होगा या थामोसीन होगा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसका आंसर बिल्कुल ठीक है आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो फटाफट से आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए था यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है की अगर हम बात करें तो यह किस से निकलता है तो लिखिए यहाँ पर थाइमस ग्लैंड से यह निकलता है हिंदी में भी लिखिए यहां पर थाइमस ग्रंथि से यह हार्मोन यहां पर निकलता है कहां पर पाया जाता है बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच आपका जो वक्ष स्थल होता है वक्ष के बिल्कुल बीचों बीच चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है बहुत ही अलग तरीके का की यह ग्रंथि है देखो जब हम पैदा होते हैं ना तो जो सभी तरह की ग्रंथि होती है वो छोटी छोटी सी होती है बहुत धीरे धीरे काम करती है प्यार से काम करती हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे उनसे हार्मोन ज्यादा निकलते हैं उनका भी हकार थोड़ा बड़ा हो जाता है ठीक लेकिन जो थाइमस ग्लैंड है उसकी बात ही अलग है जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड बड़ी होती है और जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है यानी जैसे ही हम किशोरावस्था से होते हैं वैसे ही आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो यह ग्लैंड है उसका डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है यानी कि अब वह कैसी होगी यहाँ पर मतलब काम करना बंद कर देना धीरे, धीरे 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 गायब सी होने लग जाती है ठीक है तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर थाइमस ग्लैंड यहाँ पर कहते हैं जो कुछ भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें वृद्धि विकास उनके मेंटल विकास उनके फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास सभी चीज़ों के लिए यह काफ़ी योगदान देता है उनके अंदर इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है क्योंकि यह माना जाता है कि किसी भी तरह की डब्ल्यू किसी भी तरह की श्वेत रक्त कणिका अगर इससे पास होकर के चली गई तो वह किस में बदल जाती है टी सेल्स में बदल जाती है एक तरह के लिम्फोसाइड सेल में जो कि बहुत ही आक्रमक होता है और बाहर से जो भी रोगाणु आ रहे हैं उनको खूब मारने का कार्य यहाँ पर करता है ठीक है तो अगर आप नॉर्मली तौर पर यहाँ पर देखें तो जो थामस ग्रंथि है वह सबसे अलग ग्रंथि यहाँ पर देखी जाती है जो कि छोटे बच्चों में काफी ज्यादा विकसित होती है और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ये कैसे हो जाएगी लुप्त होनी शुरू हो जाती है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करेंगे और जल्दी से इसका आंसर आप लोग यहाँ पर करके बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए नीत बस ठीक है बस ठीक है बहुत ज्यादा ब्रेकअप हो गया बेटे अब इससे ज्यादा ब्रेकअप नहीं ठीक है अब चलो पढ़ाई पे ध्यान दो चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे हाँ थोड़ा सा फास्ट करवाती ठीक है खुशबू अब चलो जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए जीरो पॉइंट सिक्स होगा नहीं आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा वन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा तो जल्दी से नोट करिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर हम देखेंगे उसका क्या मतलब होता है कि जब कभी भी हम देखते हैं कि हमें मोल फ्रैक्शन यहाँ पर निकालना है तो उसका एक सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या कि भाई मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट यानी कि जो भी यहां पर यौगिक दिया है उनमें से किसी एक यौगिक का मोल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इसका क्या मतलब हो गया कि फिर बाकी इसका मतलब है कि जो तीनों यहाँ पर दिए गए हैं उन तीनों के ही अपने अपने पर बताना है ठीक है ठीक और फिर उनको क्या कर देना है यहां पर उनके मोल के अंशों का योग जो होगा वह वन यहाँ पर आ जाएगा वेरी गुड बहुत अच्छे आदि बहुत बढ़िया कमल बहुत अच्छे सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे धारा प्रवाह करने वाली परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरीके की यहाँ पर होती हैं और ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया हुआ है ठीक है अब चलो चलिए से इसका आंसर करेंगे क्या बात है बहुत अच्छे मैम खून में कौन सी धातु होती है राजा आयरन होता है लोह तत्व होता है लोहा होता है ठीक है आप जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए सर्किल होगा स्पाइर होगा पैरल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब या फिर पर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब चलो चलिए इसका आंसर करेंगे वेरी गुड आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा वह सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कैसे यहाँ पर सही होगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी चुंबक के तत्व है या फिर हमारे पास कोई भी इस तरीके से धारा प्रवाह हो रही है यहाँ पे अगर आप चुंबकीय तत्व के बारे में बात करेंगे तो वो चुंबकीय तत्व आपको कुछ इस तरीके से जाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे चुंबक चुंबक जो चुम्बक का जो का क्षेत्र रेखाएं होंगी वो तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पैरलर जाती हुई अक्ष के समानांतर जाती हुई आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी ठीक है तो फटाफट से नोट कर लीजिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है शुभम कुमार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता हेनरी का नियम किस पर लागू नहीं होता है का नियम किस पर लागू नहीं होता है चलो जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए ऑफिशियल की तरफ से आपको पिन करके बता दूंगी है ना जो भी बात होगी परेशान मत हो आप अब चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा आसा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हेनरी लॉ होता है उसका मतलब क्या होता है बताइए हाँ, ए ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता रहे ए ऑप्शन पर इसका सही है गैस का दबाव अधिक होता है ठीक है तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका यह मतलब है हेनरी के नियम का कि किसी नियत ताप पर किसी द्रव्य के निश्चित आयतन में घुल सकने वाले किसी मात्रा उस गैस के उस द्रव्य के साथ समावस्था के स्थिति में आंशिक, आंशिक दाब की पर पर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आप बताएंगे कि बाकी सब कुछ तो यहां पर ठीक दिया हुआ है लेकिन प्रेशर गैस का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ये चीज यहां पर कोई मतलब नहीं है कहां, कहां पर हो सकता है इसका एग्जाम्पल जैसे कि सोडा वाटर सोडा वाटर जो आपके शीत पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि कोको कोला पैप्सी वगैरह जो आप लोग ये सब पीते हो ना तो इसमें क्या करते हैं इन पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है है ना तो यहाँ पर भी आप देखते हो कि हेनरी लॉ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है इसके अलावा जो गोताखोर होते हैं या फिर जब आप पहाड़ों में जाते हैं और आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और आप जब ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं या ऊंची ऊंचाई में जाते हैं तो रक्त में आपका ऑक्सीजन कम होने लगता है वो सब भी हैनरी का ही यहाँ पर लॉ काम पर करता है ठीक है चलो तो आज की क्लास को हम यही तक रखेंगे उम्मीद करती हूँ कि आपने काफी कुछ यहाँ पर नया सीखा होगा अब हम मिलेंगे कल शाम को और जो बच्चे आईएसपीसी में क्लास की डिमांड कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है कि आईएसपीसी में शाम के सात बजे अब मेरी क्लास शुरू हो गई है आज से तो आप सभी बच्चे वहां पर भी आ सकते हैं और साइंस का प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं बहुत जल्दी थ्योरी क्लास भी वहां पर शुरू होने वाली है तो वहां पे आप थ्योरी पढ़ लीजिए यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेशन कर लीजिए तो बहुत ही बढ़िया आपका हो जाएगा चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय जय हिंद जय भारत